मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के तौर पर मैं आज पहली बार मैंने विधानसभा भवन में प्रवेश किया है। मैं गौरवान्वित हूं और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैंने अपनी जो विधिवत कार्यवाही होनी चाहिए एक विधायक के तौर पर वो मैंने सचिवालय में की है। और मैं विश्वास करता हूं कि जो संसदीय परंपराएं और मर्यादाएं हैं जो सभी सदनों के लिए एक होती है, नियमों का फर्क हो सकता है लेकिन वो गरिमापूर्ण कार्य और लोकतंत्र का जो उद्देश्य और लक्ष्य है, देश और समाज की सेवा करने का, उसमें हम सफल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये भवन हम सबको ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम मध्य प्रदेश को नंबर एक का राज्य देश में बनाने में सफल होंगे। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि सदन सदन है, वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, नियमों का अंतर होता है और वो भी संख्या का। हम बातों को उसी तरह से उठाते हैं लेकिन एक बात जो बात मैंने पहले भी कही कि हमारी सदन की मर्यादाएं और परंपराएं वो एक होती है, इसलिए मैं कभी ये नहीं मानता कि ये छोटा सदन है या कोई बड़ा सदन है। हम ये मानते हैं कि जिम्मेदारी बड़ी होती है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं, मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी मुझसे कहते थे यदि ईश्वर ने तुमको चौकीदारी की जिम्मेदारी दी है तो उसके प्रमोशन की बजाय आदर्श चौकीदार बनने की कोशिश करो। प्रमोशन की इच्छा आपको भटका सकती है और इसलिए दायित्व ऐसे ही जो मिले उनको आदर्श तरीके से करने का संकल्प लेना चाहिए। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इस मामले में सफल करें। भारतीय जनता पार्टी का अपने निर्णय का तरीका है और उस सबके लिए मुझे लगता है कि इसमें प्रमोशन और डिमोशन नहीं होता है। जो जिम्मेदारी पार्टी दे उसे ईमानदारी के साथ करें। मुझे लगता है कि ये गलत ढंग से सोचना है। पांच राज्यों के फैसले एक साथ होने हैं और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। मैं मणिपुर का प्रभारी था तब भी हमने फैसला पांचवें छठ में देने किया। अभी तो पांच राज्य हैं, उसके फैसले होने, चूंकि संसद चल रही है उसके कारण साथ कुछ हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई विलंब है। उम्मीद कब तक आपको, कब तक हो जाएगा? अवधि बहुत है, अभी इंतजार करना चाहिए। सर आपका नाम भी चल रहा है कंटेंडर के रूप में। मुझे लगता है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। कोई सस्पेंस नहीं है, पार्टी अपनी प्रक्रिया से चलती है, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।